क्या आपने रिसेंटली कोई ऐसी कॉल रिसीव की है जिसमें कि कोई व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि आपके द्वारा कोई क्राइम किया गया है और उस क्राइम का पता उसे चल गया है और उस क्राइम के बारे में वो आपको कोई चिट्ठी लिख करके ये बताना चाहता है कि आपने जो क्राइम किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन CBI NIA इस तरह की कोई एजेंसी कर रही है? या आपने कोई ऐसा कॉल रिसीव किया है जिस कॉल में व्यक्ति आपको बता रहा है कि आपका कोई पार्सल कहीं पर अटक गया है क्योंकि आपके पार्सल में कोई अवांछित चीज़ पाई गई है? या आपने कोई ऐसा कॉल रिसीव किया जिसमें व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि आपको कुछ दिनों में ही जो पैसा आप लगाएंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको मिल जाएगा? या आपने कोई ऐसा कॉल रिसीव किया जिसमें कि व्यक्ति आपसे कह रहा है कि कोई परिजन आपका है जो कि उनके पास में है और इसके बदले में वो आपसे कुछ पैसे चाहता है? इस तरीके के बहुत सारे कॉल्स हैं जो लोगों को आ रहे हैं, लगातार इन कॉलों के आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। ये सभी फेक कॉल्स हैं। मैं कुंवर राष्ट्रदीप, जयपुर पुलिस एडिशनल कमिश्नर, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया जब भी ऐसी कोई कॉल आपके पास आए उस कॉल को रिस्पॉन्ड करने से पहले अपने परिवार से डिस्कस करें। कोई भी सरकारी एजेंसी, विशेषकर पुलिस, CBI, NIA इस तरह की कोई भी एजेंसी इन माध्यमों से आपसे संपर्क नहीं करती। कोई भी व्यक्ति जो आपसे संपर्क कर रहा है वो निश्चित रूप से कोई फ्रॉड है और उसका एक ही पर्पस है कि किसी तरीके से आपसे पैसे निकाले जाएं। जब आप उस डर का शिकार हो जाते हैं जिस डर में वो व्यक्ति आपको ले जाना चाहता है, तो फिर अक्सर व्यक्ति अपनी सारी जमा पूंजी इन लोगों को दे देता है। और क्योंकि उसने किसी से डिस्कस नहीं किया होता है, इसकी सूचना किसी भी सरकारी एजेंसी, किसी भी पुलिस या फिर अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं होती जब तक कि वो क्राइम ही घटित नहीं हो जा रहा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया ऐसे किसी भी मैसेज को अपने तक सीमित नहीं रखें, अपने परिजनों से डिस्कस करें। 3-4 लोगों से डिस्कस होगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई सही रास्ता बताएगा और कोई ना कोई आपको पुलिस के पास लेकर आएगा। और हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसे मैसेजेस पर रिप्लाई करना बेहद घातक है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप हमसे शेयर करेंगे, हम उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से उन लोगों के विरुद्ध जो भी उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करेंगे। इस तरह के किसी भी प्रकरण में कृपया डरे नहीं या लालच का शिकार नहीं हो, बल्कि इस बात को पहले ही अपने दिमाग में रखें कि ये आपके साथ में चीटिंग करने की कोशिश हो रही है और आपको उस चीटिंग के उस अटेम्प्ट को फेल करना है। आपका ये सहयोग हमें इस तरह की सभी गैंग्स, इस तरह के सभी बड़े पैमाने पर ऑनलाइन चीटिंग करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने में बहुत बड़ा सहयोग देगा। आपसे इसी अपेक्षा के साथ में मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने लोगों में, अपने साथियों में, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग समझ पाएं कि इस तरह की कॉल जो भी उन्हें आ रही है वो सिर्फ चीटिंग के पर्पस से आ रही है। कोई पुलिस, कोई भी कस्टम या कोई भी अन्य एजेंसी उन्हें फ़ोन नहीं कर रही, उन्हें व्हाट्सअप नहीं कर रही। आपके सहयोग की अपेक्षा में थैंक यू।